बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो डिफरेंट एरर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, हमने उन एरर्स को ठीक कैसे करना है। अब इन एरर्स का जो पता चलता है ना हमें, वैसे तो किसी भी टाइम पे चल सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमें एरर्स का पता चलता है ना, हम लोग जब अपना ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं ना, हमें तब पता चलता है। अच्छा, बाज़ ऐसा भी होता है कि उस ट्रायल बैलेंस को बेस बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना चुके होते हैं, तब हम लोग जब देखते हैं कि भाई ये एरर्स हो गए थे, एरर्स को ठीक करना पड़ता है, तब क्या होगा, एक तो उस एरर को ठीक करना पड़ेगा, और दूसरा अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हैं ना, तो उसकी वजह से आपको पता है प्रॉफिट भी गलत हो चुके हैं। हमने प्रॉफिट के इम्पैक्ट को भी देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन का हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट गया है, इसकी वजह से किस चीज ने इंक्रीज होना है, किस चीज ने डिक्रीज होना है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन मेरे पास करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या आ जानी है, मेरे पास मेरे फिक्स्ड एसेट की करेक्ट अमाउंट क्या आ जानी है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखनी है। तो यहां पर सबसे पहले करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए भाई, अगर बात आप जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस इक्वल है और फिर आपको पता चला कि कोई एरर्स हो गए हैं, तो उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर्स में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है अपनी जस्ट हेल्प के लिए। टेम्परेरी अकाउंट होता है, वक्ती तौर पर ये आपके आके हेल्प करता है, आपके एरर्स को ठीक करवाता है और ये फिर गायब हो जाता है। मतलब ये एक जादू है सस्पेंस अकाउंट, जो आपने फॉर द टाइम बीइंग लेकर आता है। अब क्या है, ये उस टाइम पर आता है जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल इक्वल ना हो, ये उस टाइम पर आता रहता है। अब क्या हुआ, ये समझ समझ लें कि जैसे ये मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था, ऊपर सारा ये डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, मैंने इनके ना ये टोटल कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह मौजूद थी तो मैंने ना उनके अपने पास टोटल्स वगैरह आके रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर इक्वल है तो मैंने आपसे कहा किसी सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इनके टोटल आपके पास इक्वल ना हो, तब आपको कौन सा एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। अब कोई भी साइड ग्रेटर या स्मॉलर हो सकती है, जैसा कि भाई मेरे पास डेबिट साइड पे आ गया 80 और क्रेडिट साइड पे आ गया 100, मुझे क्या पता कौन ठीक है, 80 वाला ठीक है या 100 वाला ठीक है, क्या मुझे कोई आइडिया है, मुझे नहीं मालूम कौन ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट बेटा, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं भाई एसिड का अकाउंट, आपको पता है ओपनिंग कौन सी साइड पे रखनी पड़ेगी, के डेबिट नेचर अकाउंट है। अगर मैं आपसे कहूँ लाइबिलिटीज का अकाउंट, क्रेडिट नेचर अकाउंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सस्पेंस अकाउंट, न्यूट्रल अकाउंट है, न्यूट्रल अकाउंट है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेबिट भी बन जाता है, क्रेडिट भी बन जाता है, जहां इसकी जरूरत होती है ये उधर पहुंच जाता है। ओके, क्लियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि सस्पेंस अकाउंट इज अ डेबिट नेचर अकाउंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेगा। अब किस तरह से इसका बैलेंस क्या होगा, कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, उसके लिए हमें बताया गया कि आपने अपने इस ट्रायल बैलेंस को ना इक्वल करना है। अब बेटा इक्वल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे -20 कर दूं तो क्या ये इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी अकाउंटिंग में अलाउ नहीं है। आप देखें क्या लेजर में कभी आप लोगों ने कोई माइनस वैल्यू लिखी थी, आप क्या करते थे, साइड चेंज कर देते थे, साइड चेंज कर लेते थे, जब कोई चीज माइनस करनी होती थी आप साइड चेंज कर लेते थे, ऐसे ही होता था ना। यहां पर आके कभी भी नेगेटिव टर्म्स नहीं लिखी जाती, फिर क्या करूं मैं भाई, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मुझे अलाउ ही नहीं की गई कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, जो साइड शॉर्ट हो, मतलब जिस साइड का बैलेंस कम हो, उसको ग्रेटर साइड के टोटल के इक्वल लेकर आओ। तो इसको इक्वल लाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें 20 ऐड करता हूं, तो ये 20 भाई कहाँ जाएगा, ये सस्पेंस अकाउंट के पास चला जाएगा।
और सस्पेंस अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? क्लियर है ये बात? इसी तरह से अगर ये रिवर्सल हो जाए हमारे पास कि भाई अगर डेबिट साइड का टोटल हो मेरे पास 100, क्रेडिट साइड का टोटल है 80। अब 80 को 100 करो, ये देखो तो ये 20 कहां पर आया, कहां जाएगा, कौन सी साइड पर? क्रेडिट। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई? ये तो आ गया सस्पेंस अकाउंट का ओपन करना, क्या आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन इस तरह से कर लेना। अब बात ये आती है कि भाई सस्पेंस अकाउंट यूज कब होना है। सस्पेंस अकाउंट वहां पर यूज हो जाएगा जहां पर जर्नल एंट्री के एक अकाउंट का तो आपको पता हो, जबकि जर्नल एंट्री के दूसरे अकाउंट का आपको पता ना हो। मतलब डेबिट का आपको पता है कि आपने डेबिट चार्ज करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने क्रेडिट चार्ज करना है, तो वहां पर आप किसको क्रेडिट कर दोगे? सस्पेंस अकाउंट को। या आपको क्रेडिट का पता है, आपको ये नहीं पता डेबिट किसको करो, तो वहां पर किसको डेबिट कर दोगे? सस्पेंस अकाउंट। ऑल राइट, तो हर जगह जहां पर आपको डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए डेबिट या क्रेडिट अकाउंट का पता ना चल रहा हो, वहां पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, और वो ये कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरे पास रिटेल ट्रांजेक्शन हुई ना सेल्स की, वो 100 रुपीज की हुई, तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए था? अच्छा रिसीवेबल 100, टू सेल्स 100। क्या आपको ये बात समझ आ गई? आपसे कहा गया कि भाई आपने अपने रिसीवेबल्स को ठीक रिकॉर्ड किया, आपने अपने रिसीवेबल्स को बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया, लेकिन सेल्स को 100 की जगह पर आपने जाके 10 से रिकॉर्ड कर दिया, ये एरर हो गया। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? क्लियर है? अच्छा अब देखें, डिफरेंट अमाउंट्स का एरर नहीं हो गया। अच्छा अब इसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए अभी क्या करूं? ऐसा नहीं है जैसे सेल्स का अकाउंट अंडरस्टेटेड है बाय ₹90, तो मैं सेल्स अकाउंट में 90 मजीद ऐड कर दूं, तो क्या करूंगा, सेल्स को 90 से मजीद क्रेडिट कर दूं। 100 से क्रेडिट करना था, 10 से हो चुका, 90 से मजीद कर दो। क्या सेल्स 90 से अब 100 से क्रेडिट हो चुके हैं इन टोटल? हो चुका है क्या? यहाँ पे रिसीवेबल 90 से लिखो, नहीं नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी फुल अमाउंट पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो भाई क्या जनरल एंट्री को ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, क्या करूं इसकी हेल्प के लिए? सस्पेंस, इसको सहारा देने के लिए सस्पेंस आ जाएगा कि भाई ये ले, तो अपने आप को पूरा कर लो। ये बात क्लियर हो गई है? एट द एंड जब इसी तरह आप अपने तमाम तर एरर्स को ठीक कर चुके होंगे, और सपोज ये आप लोगों के पास सस्पेंस अकाउंट है, कोई ना कोई इसकी आपको ओपनिंग मिल गई। मैं सपोज कर रहा हूं आपको ट्रायल बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस मिल रहा था ना, वो 90 का मिल रहा था, और ये सिर्फ एक ही एरर आ रहा था। जब एरर को ठीक कर लेंगे तो देखिए सस्पेंस अकाउंट को क्या करूं, डेबिट इस एंट्री के अगेंस्ट, सस्पेंस अकाउंट को क्या करूं, तो जाओ इसको डेबिट करो। किसके अगेंस्ट डेबिट किया? और जब आप अपने सारे एरर्स इस तरह ठीक कर चुके होंगे ना, एट द एंड सस्पेंस अकाउंट आप लोगों को अलविदा कर अपना नील बैलेंस दे दो। ऑल राइट, और अगर फिर भी नील बैलेंस ना आए तो समझ लेना अभी कोई एरर्स हैं जो मैंने अकाउंट फॉर नहीं किए। अदरवाइज अगर आप सारे अपने एरर्स को अकाउंट फॉर कर चुके हैं और ठीक तरीके से कर चुके हैं, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर? अच्छा अब बात ये आती है यहां पर कुछ और बातें समझने के लिए कि
कि भाई अगर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया और एरर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, क्या मैं उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाऊं? बनाऊंगा मैं, लेकिन मेरे पास तो ट्रायल बैलेंस इक्वल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? ये देखें, जैसे अभी मैंने आप लोगों से कहा कि डेबिट क्रेडिट इनके टोटल्स डिफरेंट आ रहे थे, डेबिट का टोटल बताओ क्या टोटल रखूं डेबिट का वन जी, ट्वेंटी 120, क्रेडिट का क्या टोटल रखूं 100, तो बताओ सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे आ जाएगा? सर सस्पेंस अकाउंट। अब मुझे ये बताओ कि मेरे ट्रायल बैलेंस पर सपोज अगर सेल्स हैं, आपको पता नहीं है इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट है, परचेजेस हैं इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, फिक्स एसेट्स हैं, कुछ प्रीपेड हैं, एक्रूवल्स हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल ड्राइंग्स हैं बैलेंस शीट में, बैंक लोन है, सस्पेंस अकाउंट है। अब बात यह आती है कि भाई तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सस्पेंस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है? तो इसके लिए आपको कहा गया है कि आपने इसको बैलेंस शीट का पार्ट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेकर आना। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है? बैलेंस शीट ये क्वेश्चन क्या बैलेंस शीट में भाई कहां पे लिखें इसको? ये तो पता चल गया ना कि बैलेंस शीट में जाएगा, एक स्टेप आगे रहो लेकिन 10 स्टेप आगे ना रहो। हाँ, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई, बैलेंस शीट में कहां लिखें? हम तो सोच में पड़ गए, क्या कैपिटल में लिखूं, कहां लिखूं? अगर ये डेबिट साइड पे है तो फिर आपका करंट एसेट है, ओके, और अगर ये क्रेडिट साइड पे है तो करंट लाइबिलिटी। तो आपने इसको अपने करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बनाना होता है अकॉर्डिंग टू नेचर। अब ये जैसे यहां पे आ रहा है 20, क्रेडिट साइड पे करंट लाइबिलिटीज में जाके सस्पेंस अकाउंट, तब मेरी बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। अगर डेबिट साइड पे होता तो करंट एसेट्स में जाके लिखता। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसके ये सस्पेंस अकाउंट आप पढ़ेंगे तो अब आप लोगों को समझ आ जाना है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है। जैसे डेबिट साइड का टोटल 97,000, क्रेडिट साइड का टोटल 94,000, तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में 3,000 का, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ऑल राइट, फिर कहते हैं कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर रहेगा, तो कहते हैं अननोन एंट्री। अननोन एंट्री से क्या मुराद है? मतलब किसी एक जर्नल एंट्री की एक साइड का आपको पता है कि इस साइड ने डेबिट या क्रेडिट हो जाना है, उसकी रिवर्स साइड का आपको पता नहीं है, तो उस रिवर्स साइड पर सस्पेंस अकाउंट चला जाता है। क्लियर, ओके। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। फिर कहते हैं अप्रोच टू द करेक्शन ऑफ एरर्स। बेटा बेस्ट वे है कि आप लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई इस बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर एरर ना होता, आप बैठे हुए एक्सपर्ट पर्सन, आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिया आपके जूनियर ने, तो उसने गलतियां कर दी हैं। अब आपके पास जब वो आई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वगैरह सारी, अब आप चेक कर रहे हो, अब आपने उनको ठीक करना है, तो आपने सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि अगर ये एरर ना होता तो जर्नल एंट्री क्या थी? मतलब आप लोगों ने ओरिजिनल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि मेरे जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया है, गलत एंट्री रिकॉर्ड कौन सी की गई है, ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड होती, गलत एंट्री क्या रिकॉर्ड की गई है। जब ये दो चीजें आपके सामने होंगी ना, तब जाकर आपने रिकॉर्ड करनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट एंट्री, कि असल में अब इसकी करेक्शन कैसे बननी है। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर होता रहता है आपके पास,
और वो थ्री स्टेप इन्होंने यहां पर आपको बता दिया है व्हाट डबल एंट्री शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री है। फिर व्हाट डबल एंट्री वाज रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर द एरर कॉज्ड इट, मतलब ये रॉन्ग एंट्री है। और फिर व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री, ये थ्री स्टेप प्रोसीजर आपके पास होता रहता है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखें, ये देखिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। अच्छा आपके एग्जाम में ना बेटा आपसे ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं पूछी जाती, आपसे पूछी जाती है रेक्टिफाइंग एंट्री। ऑल राइट, आपसे क्या पूछी जाती है, आपको नंबर यूसी के मिलते हैं, आपको अगर रॉन्ग करेक्ट एंट्री मतलब ओरिजिनल एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखते हो ना, वो अपनी हेल्प के लिए लिखते हो, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाते, मार्क्स आपके रेक्टिफाइंग एंट्री के होते रहते हैं, तो रेक्टिफाइंग एंट्री सही लिखी जाती है। अब पहले समझ लो इस चीज को। अब जैसे मेरे पास आया कि सेल्स रिटर्न ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड, इस क्वेश्चन के लिए आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना है और इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या कह रहा है, किस तरह से हुआ, कहां पर एरर हुआ, क्या चीज ठीक रिकॉर्ड की है। अब कहते हैं सेल्स रिटर्न हुई है ऑफ ₹800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द जर्नल लेजर बट दे हैव बीन रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज अ क्रेडिट एंट्री इन द परचेज रिटर्न। अब आप लोगों देखो कि भाई बेसिकली ट्रांजेक्शन हुई क्या थी, हमने कहा भाई सेल्स रिटर्न हुई है। ओके, तो आपने सोचना है यार सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती रहती है मेरे पास, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री मेरे पास क्या होती रहती है, सेल्स रिटर्न डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से, ये है आपके पास ओरिजिनल एंट्री, आपने पहला स्टेप यही परफॉर्म करना है। फिर आपने आ जाना है रॉन्ग एंट्री पर, हमने पूछा भाई तुमने क्या क्या, कहते रिसीवेबल ठीक रिकॉर्ड किए, मतलब रिसीवेबल 800 उसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, क्रेडिट करना था उसने क्रेडिट ही कर दिया। हमने कहा भाई मिस्टेक कहाँ पे किया है, कहते हैं मैं समझा जैसे ये परचेजेस रिटर्न है और मैं उसकी क्रेडिट साइड पे लेके चला गया था कि मैंने परचेजेस रिटर्न जाके रिकॉर्ड कर दी और क्रेडिट इनकरेक्टली एज अ क्रेडिट एंट्री इन द परचेज रिटर्न, तो कहता है मैंने परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, कहता है मैंने ये किया, इट मींस दैट उसने डेबिट किसी को भी नहीं किया। हाँ जब किसी को डेबिट नहीं किया तो इसका क्या मतलब है, 1600 का सस्पेंस इसकी वजह से आ गया, ये बात समझ आ गई, क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब जब ये दो चीजें आपके सामने होना तो रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल हो जाता है। अब इस बात को समझे कि आपने रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, रिसीवेबल्स क्रेडिट होने थे, हमने क्रेडिट कर दिए, कोई इशू है नहीं, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है दोबारा। सेल्स रिटर्न डेबिट होनी थी, क्या आपने की, नहीं तो कर दो, कितने से, 800 से, ये बात समझ आ गई, क्लियर है ये बात। ये देखो इसके दोनों इंपैक्ट रिकॉर्ड हो, यहां पर ये आ गए। अब बात आती है परचेजेस रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया, क्या करना चाहिए था, अच्छा क्या करूं, उसकी एंट्री के पास जाऊं और जाकर यहां से यूं कर दूं कि भाई खत्म कर इसको, ऐसे ही है, क्या करूं अब इसको ठीक करने के लिए, परचेजेस रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट हुआ पड़ा है तो इसके इस पर को खत्म करने के लिए परचेजेस रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दूं, तो ये जो मैंने क्रेडिट किया था वो डेबिट होने की वजह से जीरो नील पोजीशन पे चला गया, ऐसे जैसे एरर हुआ ही नहीं है। राइट, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी,
अब बेसिकली यही दो ट्रांजेक्शन थे और दोनों डेबिट हो गई हैं। तो क्रेडिट कितनी अमाउंट से, तो सस्पेंस कौन क्रेडिट हो जाएगा? सस्पेंस सस्पेंस। ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसके आपको मार्क्स। अच्छा अब ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ना, आप एग्जाम में ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं। क्या आप यहाँ पे लिखे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री, मतलब थ्री कॉलम की फॉर्म में आंसर करें, ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर आपके लिए भी ये जरा आसानी हो जाती है, फिर आपके लिए चांसेस ऑफ एरर मिनिमम हो जाते हैं। और यहां से देखो क्या रिकॉर्ड करना था, क्या कर दिया है, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करो, तो आपको इसके मार्क्स मिल जाते हैं, एनी इशू। लेकिन अगर आप लोगों में आ जाए परफेक्शन, तो चाहे आप इनको ओमिट कर दें और ये चीजें चल रही हो आपके माइंड में, तो आप सिंपल जाके रेक्टिफाइंग एंट्री भी रिकॉर्ड कर देंगे ना, तब भी बात बिल्कुल ठीक है, राइट? ये मतलब आ गया आपके पास थोड़ा सा टाइम से भी, क्या आप जाएं रेक्टिफाइंग एंट्री ये रिकॉर्ड करें। आप थ्री कॉलम में चलते हैं तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है, जो आपसे बता रही हैं ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग, ये किया गया है और इसको ठीक इस तरह से करेंगे जी। अब यहीं पे देखें तो ये देखो, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं, यहां तक किसी को कोई इशू? क्योंकि क्योंकि बेटा यहाँ पे उसने कहा था कि मैंने परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया है, तो हमने परचेजेज रिटर्न के पास गए, हमने माफी मांगी, उससे सॉरी बोली कि भाई तुम्हारे पास ये क्रेडिट गलती से हो गए हैं, तुम ये हमें वापस करो, हम तुम्हारे साथ डेबिट कर लेते हैं इसको। तो जब डेबिट किया तो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसल हो गए और परचेजेज रिटर्न ने हमें माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, गलती से बच्चा आ गया था इधर, ओके, ये इसलिए हमने उसको डेबिट किया है, और सेल्स रिटर्न को इसलिए डेबिट किया है कि इधर जाना चाहिए था और इधर हमने भेजा ही नहीं है, उसे कहा कि भाई तुम तो डेबिट हो, ऑल राइट। अब बेटा इसी तरह की ये जो ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन 16, 17, 18, आप लोगों ने इससे पहले जितने एरर्स पढ़े हैं ना, हर एरर से रेलिवेंट ना एक-एक, सिर्फ एक-एक ट्रांजेक्शन वो आपको देता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा है कि आपने किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ओके। हर एरर से रेलिवेंट, हर ट्रांजेक्शन से रेलिवेंट उसने आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद वो आ जाता है कि भाई आपके पास इन एरर्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ना है। अब ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, क्लियर? एग्जाम में क्या होगा कि यहां पर उसने आपको 19 डिफरेंट सिचुएशन दे दी, एग्जाम में सिचुएशन ऐसी ही होती है, सिर्फ अमाउंट थोड़ी चेंज होती है, और एक क्वेश्चन के अंदर 6 to 7 एडजस्टमेंट्स होंगी, मतलब सेम यही ट्रांजेक्शन और आपका एक फुल फ्लैज वो क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रांजेक्शन यही। अगर आप यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं ना, आपने ट्रांजेक्शन पढ़नी है, उसके बाद खुद से इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है और जाकर यहाँ पर सिर्फ मैच कर लेना है कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, और जैसे ही ठीक हो जाए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू? कर लेंगे आप लोग। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये जो आप लोग एरर करते हैं ना, इनका क्या फर्क पड़ता रहता है? कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कोई भी एरर वगैरह कर लेते हैं ना, तो आपके प्रॉफिट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर फर्क पड़ता रहता है, तो आपने उस इफेक्ट को देखना है, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर फर्क पड़ता है, आपके रिसीवेबल्स, आपके नॉन करंट एसेट्स, आपकी इन्वेंट्री वगैरह, इन चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। अब देखें किस तरह से हमने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। हमारे लिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, कि हमने फॉर द ईयर प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना होता है। अब कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ एरर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें इफेक्ट ऑफ करेक्शन एंट्रीज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट्स के ऊपर चलते हैं और यहां पर देखते हैं, कहते हैं अब ये जो पैसेज है इसको बेटा जस्ट आपने वन टाइम रीडिंग कर लेनी है बस, और आपने आ जाना ही था। कहते हैं वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एन एरर ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड इफेक्ट ऑफ द करेक्शन ऑन एरर ऑन
रिपोर्टेड प्रॉफिट एज वेल। समटाइम्स एग्जाम्स क्वेश्चन ऑल्सो प्रोवाइड द फिगर ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर द करेक्शन ऑफ द एरर्स एंड द रिक्वायर्ड रिकैलकुलेटिंग द प्रॉफिट आफ्टर द करेक्शन हैव बीन मेड। अक्सर ऐसा होता है कि वो आपसे कह देता है कि भाई आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ये है, बता देगा, और आपका जो प्रॉफिट की वैल्यू है ना वो ये है। या आपको कभी कभी वो कहता रहता है कि आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल 94,000 है जबकि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल 97,000 है, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमें वहां से मिल जाता है डिफरेंस के तौर पर। कभी खुद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बता देगा, कभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स बता देगा, तो उनके डिफरेंस मुझे सस्पेंस अकाउंट का पता चल जाएगा। अब दो सिचुएशन है, या तो प्रॉफिट की वैल्यू वो खुद मुझे बता और मुझे कहे कि प्रॉफिट को रिकैलकुलेट करके दो, तो मैं देखूंगा कि किसी भी एरर की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो करने एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैं उसे न्यू प्रॉफिट करेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू बता दूंगा। क्लियर। दूसरी सिचुएशन, प्रॉफिट नहीं देगा लेकिन मुझे ये कहेगा कि प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट कितना आएगा, मैं वही करेक्शन ऑफ एरर्स वैसे ही करता जाऊंगा, उनको ठीक करूंगा और सारे के प्रॉफिट के इंपैक्ट को सम अप करूंगा। पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो मैं उसे कह दूंगा कि प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय रुपीज दिस, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो मैं कह दूंगा कि प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय रुपीज दिस। ओके तो कोई मतलब इश्यू वाली बात नहीं है कि वो प्रॉफिट बताता है या नहीं, नहीं बताता तो आपने जस्ट एरर्स की वजह से बता देना है कि हमारे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब कितना ओवरस्टेट या अंडरस्टेट हुआ पड़ा है। ऑलराइट अच्छा नेक्स्ट देखें कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेलेवेंट इन दिस रिकॉर्ड्स, ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। ये बातें एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है, मेन अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स या मेन अकाउंट्स। कहते हैं द नेट प्रॉफिट शैल इंक्रीज ड्यू टू ऑल नॉमिनल अकाउंट्स क्रेडिटेड इन करेक्टिंग एंट्रीज, नेट प्रॉफिट शैल डिक्रीज ड्यू टू ऑल नॉमिनल अमाउंट्स डेबिटेड इन करेक्टिंग एंट्रीज। फिर ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, शैल इंक्रीज ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स ओनली क्रेडिटेड इन द करेक्टिंग एंट्रीज, एंड ग्रॉस प्रॉफिट शैल डिक्रीज ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स ओनली डेबिटेड इन करेक्टिंग एंट्रीज। अच्छा मैं इसको समराइज वे में लेके चलता हूँ बेटा, हर वो एरर जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज लेकर आएगा उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट चेंज, नेट प्रॉफिट चेंज। लेकिन हर वो एरर जो आपके नेट प्रॉफिट में चेंज लेकर आए, जरूरी नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट में भी चेंज आए। क्लियर। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बनता है, रेवेन्यू एंड, तो बेटा अगर इनमें कोई एरर है ना तो इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज, नेट प्रॉफिट भी चेंज। क्लियर। सेम इंपैक्ट के साथ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज है ना 100 का तो नेट प्रॉफिट में भी 100 का इंक्रीज, बात क्लियर है। अच्छा अगर आपके कोई एक्सपेंस गलत हो गए, आपकी कोई अदर इनकम में कोई ओवर या अंडर स्टेटमेंट है तो इसकी वजह से आपके ग्रॉस प्रॉफिट में नो इंपैक्ट लेकिन आपका नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ऑलराइट ये बात समझ आ गई है। कभी ऐसा होता रहता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अलग अलग से बताकर दोनों में एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं, तो आपने दो कॉलम बना लेने हैं, आपने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को अलग अलग कर लेना है। फिर क्या करना है आप लोगों ने, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज है वो सेम नेट प्रॉफिट के कॉलम में भी लिखो, लेकिन कुछ ऐसी एडजस्टमेंट भी होंगी जिनकी वजह से सिर्फ नेट प्रॉफिट में चेंज होगा,
तो ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका करेक्टेड रिस्टेटेड आ जाएगा और नेट प्रॉफिट भी। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अब बात क्या आती है कि कब हम लोगों ने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है और कब हम लोगों ने प्रॉफिट्स को डिक्रीज करना है। अब ये बात समझने वाली है। अच्छा, ये ना कोई मुश्किल चीज नहीं है, मतलब होती होगी, बाकी आमदनी मुश्किल होती होगी, बजाहिर ये कोई मुश्किल चीज नहीं है अगर आप लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर्स में अच्छी ग्रिप रखी हुई है। तो मतलब अगर आपको रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करना आता है, आपके लिए कोई ये मुश्किल चीज नहीं। जैसा कि मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताऊं, एक क्रेडिट सेल्स हुई है हमारे पास। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है हमारे पास? रिसीवेबल्स टू सेल्स, रिसीवेबल्स टू सेल्स। सपोज कि ये ना रेक्टिफाइंग एंट्रीज है, ओके, और यहां पर अमाउंट हमारे पास आ गई है 50, यहां पर अमाउंट आ गई है 50। अच्छा, मेरी ना परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री मेरे पास क्या होती होगी? परचेजेस टू पेबल्स। शाबाश, यहां पर हम लोग को अमाउंट सपोज के 30। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब अगर मुझसे वो पूछता है ना कि यार रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या होंगी, तो वो तो मैंने ये बता कि भैया रेक्टिफाइंग एंट्री बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन इसी का पार्ट भी है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, अब इसी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स को हम लोगों ने कैसे देखना है? मुझे बताओ क्या पेबल्स का मेरे प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है? नहीं, बैलेंस शीट आइटम है भाई, मेरी लाइबिलिटीज से ताल्लुक है। क्या प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है? भाई इसको कैंसिल कर दो। रिसीवेबल्स का मेरे प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है? बैलेंस शीट आइटम है ना, प्रॉफिट का ताल्लुक कौन से हेड जो इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट्स, मतलब परचेजेस, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, इनकी वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज है। लेकिन भाई कब इंक्रीज है, कब डिक्रीज है? आपने ये नहीं सोचना कि भाई सेल्स हो जाएं तो इंक्रीज है, परचेजेस हो जाएं तो डिक्रीज है। तो भाई अगर सेल्स आपकी डेबिट साइड पे चली गई तो फिर, परचेजेस आपकी क्रेडिट साइड पे चली गई तो फिर आप हमेशा याद करते रहे फिरोगे कि सेल्स अगर मेरे पास क्रेडिट साइड पे है तो इंक्रीज है, डेबिट साइड पे है तो डिक्रीज है। तो ये चीजें आपको हमेशा भूल जाएंगे। सिंपल सा रूल है कि अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट डेबिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट डेबिट हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट में डिक्रीज है, आपका प्रॉफिट उतनी अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। ऑल राइट, और अगर इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो जितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है उतनी अमाउंट से आपके प्रॉफिट में इंक्रीज है। बात समझ आई नहीं है? अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, अब यहां पे लिख देंगे कि भाई ड्यू टू परचेसेस 30 का डिक्रीज, ड्यू टू सेल्स 50 का इंक्रीज। अच्छा, मुझे ऊपर प्रॉफिट की वैल्यू बता देता कि भाई रीस्टेटेड प्रॉफिट, सपोज यहां पे थे 100 रुपए का प्रॉफिट, तो मैं उसे क्या कहता? रीस्टेटेड प्रॉफिट इज, बस ठीक हो गया है। ये बात क्लियर? और इन केस अगर मुझे यहां पे वो नहीं बताता, तो मैं उसे क्या कह दूंगा कि प्रॉफिट विल इंक्रीज्ड बाय रुपीज, बस ये बता दूंगा फिर उसे। ऑल राइट, क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर इंक्रीज करना है 20 से, तो इसका मतलब पहले जो कैलकुलेट किया हुआ था प्रॉफिट वो 20 से अंडरस्टेट है। पहले वाला प्रॉफिट 20 से अंडरस्टेट है तो उसको इंक्रीज कर दो, और अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ जाता तो मैं कहता पहले वाला प्रॉफिट
सेम अमाउंट जो भी यहाँ पे नेगेटिव में आ जाती उससे ओवर स्टेट है तो हम लोग माइनस कर रहे हैं। गॉट इट? कोई मुश्किल? अब सिर्फ फर्क क्या आया, देखो मैंने परचेजेस लिखी, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में भी 20 का इंक्रीज, मेरे नेट प्रॉफिट में भी 20 का इंक्रीज। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे परचेजेस की जगह पे एक्सपेंसेस लिख लेता तो फिर 50 से ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज, लेकिन जब नेट प्रॉफिट की बात करते तो नेट प्रॉफिट में 50 का इंक्रीज और 30 का डिक्रीज। मतलब आप ये समझ लें यार, इधर आप परचेजेस की जगह पर एक्सपेंसेस लगा दें, एक्सपेंसेस का आपके ग्रॉस प्रॉफिट से कोई ताल्लुक है तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिर्फ 50 लेकर जाओ। ग्रॉस देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में 50 का इंक्रीज, आंखें बंद करके आपने क्या कहना है भाई, नेट प्रॉफिट में भी 50 का इंक्रीज। लेकिन जब एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस का जीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट 30 से, तो एट द एंड हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 50 से इंक्रीज होगा जबकि नेट प्रॉफिट 20 से इंक्रीज होगा। ऑल राइट, क्लियर? अच्छा ये क्या फार्मूला बन गया है कि यार डेबिट साइड पे हो इनकम स्टेटमेंट क्या एलिमेंट तो माइनस कर दो और क्रेडिट साइड पे हो तो ऐड कर दो, ये क्या फार्मूला हमारे पास बन गया है? मुझे बताओ कि भाई एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं? कम करते हैं, एक्सपेंसेस की नेचर क्या है? बिल्कुल तो जो डेबिट साइड पे आएगा उसने प्रॉफिट को कम कर दिया, एक्सपेंसेस की नेचर की टाइप पे आ रहा है ना। मुझे बताओ अगर कोई इनकम आ जाए आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी, इनकम की नेचर क्या होती है, तो इसलिए जो क्रेडिट साइड पे आएगा उसमें प्रॉफिट को इंक्रीज कर। बात समझ आई है? मुझे बताओ प्रॉफिट खुद किस नेचर में होता है? क्रेडिट नेचर में, जैसे रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट नेचर। यार क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है जबकि क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है, तो इसलिए कहा है कि जो डेबिट हो उसको लेस कर देना, जो क्रेडिट हो उसको ऐड कर देना। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात तुम भूल जाओगे, यही बातें सामने पॉइंट्स पे लिखी होंगी, अब ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे जितने भी लिखे हुए हैं। ऑल राइट, अब बेटा नेक्स्ट, ये जो आपके पास एग्जाम्पल 20 है, 21, 22, 23, आप लोगों ने ना ये सारी सॉल्व करनी है। एक तो इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री, साथ में प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट में इंक्रीज है या डिक्रीज है आपने ये आइडेंटिफाई करना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 28 तक आप इजीली जाके सॉल्व कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब यहां पर बात, अभी प्रॉफिट्स के बारे में हम लोगों ने इसको देख लिया था, अब हमारे पास आ रहे इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज ऑन अदर लाइन आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जिनके प्रॉफिट के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट या पेमेंट फॉर नॉन करंट एसेट्स, या कुछ भी ऐसे ट्रांजेक्शन, क्या मेरे प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बैलेंस शीट आइटम है। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट आ जाता है तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं आना, उस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा। तो आप लोगों ने अगर आपसे कह दे कि भाई मैंने एक नॉन करंट एसेट परचेज किया 1 जुलाई को, मेरा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है, 1,000 रुपए का मैंने एसेट परचेज किया और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, हम कहेंगे यार कोई मसला नहीं है, जाओ रिकॉर्ड कर दो, नॉन करंट एसेट टू कैश या पेबल आपने जाके रिकॉर्ड कर। भाई आपने फिर उसे ये नहीं कहना, फिर लाजमी बात है अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसने डेप्रिसिएशन को भी तो चार्ज नहीं किया। तो आप उससे पूछो कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, वो आपको बता रहा है यार 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, तो मतलब 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेकर आओ। अब इसकी दो एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, एक नॉन करंट एसेट्स की रिकॉर्डिंग, दूसरा उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन।
बात समझ आ गई है, बात क्लियर है। सेम इम्पैक्ट आपने डिस्पोजल के टाइम पर भी देखना है। बॉस आपसे कहेंगे कि मेरे पास एक एसेट था 1 जनवरी को, उसकी WDV ये थी कुछ भी अमाउंट, और आपसे कहे कि यार मैंने ना 30 जून को ना इस एसेट को डिस्पोज कर दिया, लेकिन मैंने उसके डिस्पोजल को रिकॉर्ड नहीं किया। भाई अगर डिस्पोजल को रिकॉर्ड नहीं किया तो मतलब उसके ऊपर उसने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, जबकि 6 माह की चार्ज करनी चाहिए थी। डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करवाओगे उस, डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करोगे प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल। क्या मतलब अच्छा एंट्री बताओ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऑल राइट ये बात क्लियर आ गई। अच्छा सेम इंपैक्ट आपने देखने हैं रिसीवेबल्स के लिए, अगर आप प्रोविजन चार्ज करते, क्योंकि अगर आपने रिसीवेबल में मिस्टेक कर दी तो फिर तो आपके प्रोविजन का बैलेंस भी गलत नहीं हो गया, प्रोविजन पर डाउटफुल डेट। तो आप अपने रिसीवेबल्स को ठीक करो, लेकिन अगला स्टेप आपने अपने प्रोविजन के बैलेंस को भी ठीक करना है। ओके, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे और हर चीज की हमें समझ आ जाएगी। ये अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आपने एक चीज के ऊपर नहीं सोचना, खास तौर पे एसेट्स नॉन करंट एसेट्स और रिसीवेबल्स के लिए आपने उसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रोविजंस के बारे में भी देखना है। क्लियर? ओके होगी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं इम्पैक्ट ऑन अदर लाइन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे। फॉर एग्जांपल एसेट बोरियन इंक्रीज व्हेन रिलेटेड अमाउंट इज डेबिटेड इन द करेक्टिंग एंट्री एंड डिक्रीज व्हेन रिलेटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द करेक्टिंग एंट्री। कहते हैं सिमिलर लाइबिलिटी वुड इंक्रीज इन रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट वगैरह वगैरह। कहते हैं कि भाई आपने प्रॉफिट्स के लिए तो देख ली ना सारी बातें, सेल्स परचेजेस, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, इनकम एक्सपेंसेस देख लीजिए। कहते हैं अब अगर एसेट्स में अगर कोई एसेट करेक्टिंग एंट्री में डेबिट हो रहा है तो एसेट को इंक्रीज कर देना, क्रेडिट हो रहा है तो एसेट्स को डिक्रीज कर देना। लाइबिलिटी के लिए कहते हैं लाइबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट, कहते हैं लाइबिलिटीज अगर करेक्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रही हैं तो इंक्रीज कर देना, लेकिन अगर डेबिट हो रही हैं तो डिक्रीज कर देना। ओके, अब उससे रेलिवेंट बेटा ये एक क्वेश्चन उसने दे दिया, इसी आप लोगों ने ट्राई करना है खुद से। एग्जाम्पल 27 आप लोगों ने ये ट्राई करनी है खुद से, और जब ये कर लोगे ना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप चीजें सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन नहीं देखना, खुद से सॉल्व करनी है सारी चीजें, खुद से सोचनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने नॉन करंट एसेट्स भी इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं। अब देखिए अगर नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करोगे, नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? अच्छा, और एग्जांपल नंबर 28 आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स के डिस्कशन करेंगे और हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस कर लेनी है। अब कहते हैं करेक्शन ऑफ प्योर पीरियड एरर्स, क्या भाई पिछले सालों में अगर किसी किस्म के कोई एरर हो गए तो कहते हैं उसके लिए आपकी हेल्प करेगा IAS 8। तो वहां प्योर पीरियड एरर आप लोग IAS 8 में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एरर इज अप्लाइड फॉर करेक्शन ऑफ प्रियोर पीरियड एरर एंड इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर रिलेटिंग टू प्रियोर पीरियड टू कंपेरेटिव पीरियड इज रिप्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। दीज टॉपिक विल कवर्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी आपके पास ऐसे नहीं आएंगे, करंट ईयर्स ही आपके पास मौजूद हैं। तो करंट ईयर्स के लिए कंप्रिहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से आती हो। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 28 एग्जाम्पल्स उठा के दे दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। हर एग्जाम्पल में एक एक ट्रांजेक्शन है, तो मैक्सिमम 28 ट्रांजेक्शन है, तो
तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर 10 to 12 ट्रांजेक्शन तो नॉर्मली होती हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो शायद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के मैंने सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, और उसमें से भी काफी सारी चीजें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें से काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपने सिर्फ आधी एग्जाम्पल्स कर दी है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।